बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब अपनी जगह बदलना चाहते हैं, हम हमेशा किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें जो मयसर होता है हम उस पर राज़ी ही नहीं होते। हमने हम बनकर जीना सीखा ही कब है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर बंदे को हर वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है तो वो अपनी हदूद तोड़कर बाहर निकल जाए। मुझे लगता है हर लड़की ही रापंजल होती है, अपनी हदूद और रवायात के किले में महसूर, अपने प्यारों की हिफाजत में, हर बुरे शख्स से महफूज। हमारे जैसे घरों में माँ बाप हमें बहुत मोहब्बत से ज़माने के गर्म और सर्द से बचा कर पालते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमें गंदी मैली नज़रों से, बुरे इरादों से महफूज रखने के लिए अपने हसार में रखते हैं। क्योंकि एक लड़की की हुर्मत, उसकी हया, उसकी इज्जत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है, और कीमती चीज़ें किलों की दीवारों में महसूर रखी जाती हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। तुम शहजादी हो, जवाब देना सीखो शहजादी, दुनिया के बासी तुम पर हर्फ ना उठाएं, तुम्हारी कमज़ोरियों का मजाक ना उड़ाएं। कोई तुमको काला कहे तो जवाब दो, कोई छोटा कहे तो मुंह बंद कर दो, कोई मोटा कहे तो मुस्कराओ और उसके हाथ से छीन के खा लो, कोई पतला कहे तो गर्दन अकड़ा लो, कोई बदसूरत कहे तो कहकहा लगाओ। लोगों को खुद पे हावी मत होने दो, मनफी रवैयों को जूते की नोक पर रखो, मजबूत बनो, क्योंकि तुम अपनी सरजमीन की शहजादी हो। ज़िंदगी में सिर्फ जीतना ही नहीं आना चाहिए, भागना, दौड़ना, तैरना भी आना चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ खाना और सोना ही नहीं आना चाहिए, ज़िंदगी के पैरों में जो जंजीरें लिपटी हैं उन्हें खोलना भी आना चाहिए। कभी यूं भी सोचा करें कि सामने वाले के लहजे में कड़वाहट उसकी अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि ज़िंदगी में सही गई तलखियों की वजह से भी हो सकती है। एक साहिल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। वो जंगें लड़ना बेवकूफ़ी होती है जिनमें होने वाली जीत भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ना हो। ज़िंदगी में हारने वालों को बहुत कम लोग याद रखते हैं। हार इंसान के गैर मामूली चेहरे को भी मामूली बना देती है, और जीत मामूली शक्ल को भी गैर मामूली। जो अपनी वक़्त नहीं जानता, ज़माना उसे ठोकर पर रखता है। खुदा और किसी वक्त याद आए ना आए, दो मौक़ों पर ज़रूर याद आता है, जब कोई चीज़ छिन जाए या जब कुछ चाहिए हो। दरख्तों से ताल्लुक़ का हुनर तो सीख ले इंसान, जड़ों में ज़ख्म लगते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं। एक धागे की लाज रखने को मोम का रोम रोम जलता है। किताबों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। बाज़ औक़ात बद्दुआ देने की नहीं, सिर्फ सब्र करने की ज़रूरत होती है, और दूसरे बंदे पर वो सब्र बहुत भारी पड़ जाता है।